अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड ये बेल बटन को जरूर दबाइए टू कीप अपडेटेड माय लेटेस्ट वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शौमी और आज है सैटरडे। तो सैटरडे मॉर्निंग से आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग आज थोड़ा सा लेट करके उठे हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि आज हम लोग पूरा वीकेंड का मूड में चले जाते हैं। और इधर देखिए सौरभ बिज़ी है, फिर भी वो अभी आयरनिंग कर रहा है। तो ये चीज़ सौरभ ही करता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। तो ये सारा काम जो मेनली ये आयरनिंग का काम सौरभ करता है, और वो हमेशा मुझसे ये कंप्लेन करता रहता है कि मैं क्यों करूँ। तुम शादी से पहले बोलते थे कि तुम ही करोगे ये सारा काम। शादी से पहले तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सब कुछ। तो ये काम मैं सौरभ को दे दिया है, तो वो अभी बिज़ी है। से हेलो। हेलो। इतना ज़्यादा बिज़ी है कि वो आप लोगों से हेलो भी नहीं बोल सकते, आप देख ही सकते हो। तो आज क्या है कि हम लोग आज डिनर के लिए जाएंगे। तो आज मैं सुबह थोड़ा सा खाना बनाऊंगी, मतलब एकदम लाइट सा कुछ खाना मैं बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज का भी वेदर बहुत अच्छा है, सानी है पूरा, और 23 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है इधर। मुझे मतलब इधर ना पूरा कोलकाता जैसा फील आ रहा है मुझे, एकदम गर्मी गर्मी पसीना आ रहा है। बहुत दिन के बाद ये सारा चीज़ मैं फील कर रही हूँ। तो ये है, तो आज का जो दिन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आज जाऊँगी, हम लोग किधर जाने वाले हैं वो गेम खेलने के लिए, टेनपिन बोल के एक जगह हम जाएंगे। उधर हम लोग थोड़ा सा गेम वो सब बोलिंग वो सब होता है उधर, तो वो सब करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने। ये बेसिकली एक ऑफिस पार्टी है, तो ऑफिस के सब लोग होंगे, तो सबके साथ हम लोग जा रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं कितना ज़्यादा व्लॉगिंग कर पाऊँगी, लेकिन क्योंकि सबके साथ मतलब जो लोग कैमरा के सामने आने के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उनको तो नहीं मतलब बोल सकते ना। तो मैं जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए फर्स्ट जो चीज़ मैं अभी करूँगी वो है लंच बनाऊँगी, एकदम नॉर्मल सा फिश। हम लोग बंगाली में इसको बोलते हैं झोल, माछेर झोल। तो एकदम सिंपल तरीके से एकदम लाइट सा हम झोल बनाएंगे। तो चलिए, झोल मतलब कोई दाल में कोई झोल नहीं है, बट बनाएंगे मैं एक झोल का रेसिपी। तो चलिए पहले चलते हैं किचन, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया है। और इधर जो फिश आप देख रहे हैं ये है रोहू फिश, जिसको बंगाली में बोलते हैं रुई। ये बहुत दिन के बाद हम लोगों को मिला है इंडियन मार्केट से। और मैंने इधर पोटैटो को भी ऐसे कट करके रखा है, ये बड़ा लंबा वाला ऐसे करके कट किया है मैंने। और इधर मैंने लिया है टमेटो, और मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया, और इधर है एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला मिर्ची, ये भी मैं डालूँगी। और मैं जो डालूँगी वो है बड़ी, मतलब इसको बंगाली में बोलते हैं बोड़ी, वो भी मैं डालूँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी सौरभ अभी फ़िश फ्राई करेगा। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि मैं फ़िश फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तेल का छिट्टा आ जाता है तो स्किन ख़राब हो जाता है। तो जब भी प्रोविजन मिलता है मैं सौरभ को ही ये काम दे देती हूँ। तो सौरभ अभी फ़िश जस्ट फ्राई करके मुझे देगा। और ये आप सौरभ बोल दो कि क्या है ये। हाँ,
क्या कर रहे हो? ये फिश को हम लोग फ्राई कर रहे हैं अभी। नहीं, वो जो सॉल्ट डाला ना। अच्छा अच्छा। और वो भी एक ट्रिक्स है कि कभी जब भी फिश फ्राई कर रहे हो, स्टिक नहीं हो जाए नीचे, नीचे स्टिक नहीं हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सॉल्ट उधर डाल देते हैं। उसके बाद तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फिश देना पड़ता है। और ये दे दिया है और मेरा काम खत्म, मैं चली जाती हूँ अभी। तो ये था और जो फिश हम लोगों को मिला है, देखिए मैं कितना ज़्यादा, मेरा पसीना आ रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है आज इधर। और क्या है कि ये जो फिश मुझे मिला है वो बहुत दिनों के बाद हम लोगों को मिला है कि एक दुकान है इधर जो ये फ़िश बेचते हैं ऐसे, मतलब 3 kg का 4 kg का ऐसे बड़ा वाला फ़िश वो बेचते हैं। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक दिन वो फ़िश खाओ। दो जन के लिए मतलब एक मंथ निकल जाएगा 3 kg का फ़िश खाते खाते, तो इसीलिए हम लोग लेके नहीं आ पाते हैं। और जब वो 1 kg का फ़िश ऐसे कट करके बेचते हैं तो उसी टाइम हम लोग फ़िश ला पाते हैं। और इधर ये रोहू फ़िश अच्छा मिलता है, और उतना ज़्यादा हम लोग बंगाली जो जो फ़िश खाते हैं वो सारा फ़िश इधर मिलता है, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, तो रोहू से ही काम चलाना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बड़ी को भी फ्राई करके रखा है और मेरा फिश भी फ्राई हो गया है, सड़वने करके दिया है। और अभी मैं जो कर रही हूँ वो देखिए आप, मैं मास्टर्ड ऑयल में ये सारा कुछ मैं करूँगी। तो मास्टर्ड ऑयल में मैं फर्स्टली दिया है जो वो है मिर्ची, मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसको आलू को मैं अभी फ्राई करूँगी, और उसके बाद टमेटो दे दूँगी, और थोड़ा सा मसाला जो है इसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाएगा, टर्मरिक पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा जाएगा, और जो धनिया पाउडर है वो जाएगा, और जीरा पाउडर वो भी जाएगा। ये सब कुछ मिक्स करके एकदम लाइट सा बनाऊंगी। तो इसको अभी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी मैं इस पे डाल रही हूँ टमेटो। और अभी मैं इस पे एक एक करके जो मसाला है वो डाल रही हूँ। पहले जो जाएगा वो है हल्दी, मैं थोड़ा सा हल्दी इधर डाल दिया, जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड मिर्च, आप देख ही सकते हो एकदम कम मैं डाल रही हूँ, और जो जाएगा वो है धनिया पाउडर। इसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको अच्छे से कुक करने के लिए मैं हल्का सा एकदम पानी ऐड करूँगी। तो इसको थोड़ा सा मैं भून लिया है, नहीं तो मसाला का जो कच्चा एक स्मेल होता है वो आ जाएगा, तो इसको मैंने भून लिया है। अभी मैं इस पर डाल दूंगी सॉल्ट और स्लाइस सा चीनी मैं डालूंगी। और ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं और भी थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं इस पे ऐड कर रही हूँ पानी।
मैं पहले ही आपको बोला कि ये मैं बना रही हूँ झोल, माछेर झोल. सो इसमें ज़्यादा पानी होगा, तो मैं आप लोग जितना आपको चाहिए क्वांटिटी में वो आप दे देना पानी. इसमें आप जितना हो सके पानी दे सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही खाते हैं. तो मुझे लग रहा है कि मेरा इतना तक पानी सही है. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी, उसके बाद मैं डाल दूंगी जो वड़ी उसको मैं फ्राई करके रखा था, और जो फिश वो दोनों मैं इधर डाल दूंगी, और लीड को थोड़ा सा लगा दूंगी ताकि जो पोटैटो है वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए. और ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है. अभी मैं डाल दूंगी ये वड़ी. और मैं फिश को भी इधर डाल रही हूँ. तो मैंने लीड को लगा दिया है. थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये आलू बॉयल ना हो जाए, तब तक इसको लगा के रखना पड़ेगा लीड को. उसके बाद मैं ओपन करूँगी और आपको मैं दिखाती हूँ. और क्या है कि मेरे पास आज कोई भी वेजिटेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये आलू के साथ किया है. अगर आप चाहते हो तो इस पे आप परवल या तो पपाया, ये सारे वेजिटेबल को भी ऐड कर सकते हो. और ये एकदम लाइट सा एक रेसिपी है. कभी कभी लाइट चीज़ खाना भी अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने आज ये वाला रेसिपी को चूज़ किया है. क्योंकि आज रात को थोड़ा सा हेवी हो जाएगा खाना, तो सुबह इसलिए हम लोग खाएंगे ये एकदम लाइट सा एक सिंपल सा आलू झोल, आलू माछेर झोल. तो चलिए इसको पहले हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. और आलू एकदम बॉइल्ड हो गया है, तो और इस पे कोई काम नहीं है. अभी मैं इस पे डाल दूंगी थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ताकि इसका स्मेल अच्छा आए और खाने में भी अच्छा लगे. और ये हो गया है रेडी. इसको मैं लीड को लगा देती हूँ और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ ताकि कोरिएंडर का जो स्मेल है वो पेपर के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी में. लंच तो हो गया है और अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी और मुझे अचानक याद आया कि मेरे नेल पेंट नहीं है, तो अभी मैं बैठ के नेल पेंट करने वाली हूँ. और तो चलिए ये पहले कर लेते हैं और टाइम है हाथ में थोड़ा सा. मैं तो रेडी हो गई हूँ और सौरभ भी इधर रेडी हो गया है. हम लोग देख रहे हैं बस कब है, 13 मिनट्स में बस है. तो ऑलरेडी मुझे मेकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट है. तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, उधर जाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ. Hold tight.
तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग लेट हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले पहुंच गए हैं। मुझे ज़्यादा लेट करना अच्छा नहीं लगता है, जो टाइम पे आप बोल रहे हो उसी टाइम पे रीच करना मतलब ये बनता है, बट ये लोग तो अभी तक नहीं आए, तो ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और देखिए पीछे है टेनपिन, उधर फर्स्ट जाएंगे, उसके बाद इधर जाएंगे मिस्टर बसराई। तो उधर हम लोग डिनर करेंगे। तो अभी देखिए थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, वेदर अच्छा लग रहा है, तो थोड़े मतलब पहले ही आ गए हैं, तो थोड़ा सा इधर हम लोग बैठेंगे, तो देखते हैं कब तक वो लोग आते हैं, उसके बाद एक साथ जाएंगे टेनपिन। और ये है 360 डिग्री व्यू। तो अभी तक वो लोग नहीं आए, हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये जो जगह हम लोग आए हैं वो, इसका जगह का नाम है फाउंटेन पार्क। ये बेसिकली एक शॉपिंग मॉल टाइप्स है। इधर बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिया में जैसे दिखते हैं ना शॉपिंग मॉल, वो नहीं होता है, बट ये एरिया है बेसिकली। इधर एक सिने वर्ल्ड है और पास में एक पिज़्ज़ा हट और बहुत सारे रेस्टोरेंट, एक गेम पार्लर, ये सारा कुछ है। तो इधर यही एक ग्राउंड है बड़ा सा, और हम लोग कभी कभी इधर ये सिने वर्ल्ड में ही मूवी देखने के लिए आते हैं। हिंदी मूवी भी आता है कभी कभी इधर, और लास्ट हम लोग सलमान खान का एक मूवी देखे थे, बहुत दिन हो गए हैं। इधर ज़्यादातर इंग्लिश मूवी आते हैं, बहुत कम बॉलीवुड मूवी आता है। तो मुझे बॉलीवुड मूवी देखना सबसे अच्छा लगता है कुछ भी हो जाए, और सलमान खान और शाहरुख खान का मूवी तो कोई ऑप्शन मतलब ये मूवी हो रहा है तो इंग्लिश मूवी देखने का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं ढूंढते हम लोग। तो देखते हैं ये लोग कब तक आते हैं। और पीछे से बस जा रहा है, बस स्टैंड है पीछे। सॉर्ट ऑफ देखो क्या देख रहे हैं, फ्रेंड्स लोगों को वेट कर रहे हैं शायद।
अभी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट 11:15 हो गया है और आज तो बहुत ज़्यादा मस्ती की है हम लोग। स्पेशली जो टेन पिन में गेम खेले थे वो बहुत ज़्यादा मस्ती किए सब लोग मिलके, और जो स्पेशली जो बॉलिंग था वो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले कभी भी ऐसे बॉलिंग नहीं की हूँ, गेम पार्लर में तो गई हूँ लेकिन ऐसे बॉलिंग नहीं किया है, तो मेरे लिए ये बहुत एक नया वाला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और आज डिनर में हम लोग बाफे डिनर किए हैं तो इतना ज़्यादा खा लिए कि पेट भर गया, अभी लग रहा है कि सो जाऊँ बस। और ये व्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करूँगी, मेरे से जितना हो पाया मैं आप लोगों के लिए शूट किया है और ये व्लॉग होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं एक नया व्लॉग के साथ, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।